हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो कि सिर्फ बॉटल से है, जो कि आपके बहुत सारे काम को बहुत ईजी बना देगा। आपके पूरे घर की सफाई चुटकियों में हो जाएगी। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर, मैं यूज़ कर रही हूँ छोटा वाला वाइपर। छोटा वाला वाइपर हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो मतलब ईजी टू कैरी हो जाएगा। इसलिए आप चाहें, अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़े वाइपर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको छोटे वाइपर का ही यूज़ करना है क्योंकि हमारी बॉटल, अगर आप बड़ा वाइपर ले रहे हैं तो आप बड़े 2 लीटर की बॉटल ले लीजिए, बट आई डोंट थिंक सो कि वो भी इस मतलब बड़े वाइपर के अंदर आएगी। तो मेक श्योर कि आप छोटा वाला वाइपर ही लें। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको कट लगा लेना है बॉटल में, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, और बस इस तरीके से छोटे वाले वाइपर को उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। और बस फिर आपको एक कोई सा भी पुराना कपड़ा ले लेना है और बस उसके आपको 2-3 पार्ट्स लेने हैं। एक मोटी सी लेयर आपको इस तरीके से कवर कर लेनी है, तो या मतलब सिंगल कवर इस तरीके से कर लीजिए। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा थिक और करूँगी जिससे कि मतलब जो क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो। तो मैंने यहाँ पर वो दोनों कपड़े इस पर अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं और इसको एक वूल के धागे से मैं यहाँ पर बांध दे रही हूँ। आप कोई भी मजबूत धागा ले लीजिए, कुछ भी हो, थोड़ा सा मजबूत रोप वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो बस इस तरीके से इसको हम यहाँ पर एक नॉट बांधेंगे और बस इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो देखिए, इससे आप बहुत अच्छे से अपने हर घर के कोने कोने की सफाई कर पाएंगे। कैसे, उसके लिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आपको सफाई करके भी दिखाऊंगी अपने घर के हर कोने की, हर हिस्से की। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मतलब छोटा वाला वाइपर है, लेकिन हम अपने वॉल्स वगैरह की सफाई करेंगे तो उसके लिए हमें इसमें एक मतलब इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। और इसको बड़ा बनाने के लिए आप मतलब कोई भी पुरानी जो भी आपके पास लकड़ी वगैरह पड़ी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक लकड़ी है तो मैं इसमें इस तरीके से इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि इनमें होल अच्छा खासा होता है तो जो लकड़ी वगैरह है वो अच्छे से फंस जाती है। तो इस तरीके से डालकर आप एक बड़ा सा वाइपर तैयार कर सकते हैं। और इससे हम जो नॉर्मल वाइपर से पोंछा डाल के सफाई करते हैं उससे इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं होती है जितनी अच्छी इससे होगी, और वो बार बार गिरता रहता है, ये गिरेगा भी नहीं। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टब में पानी ले लिया है, तो यहाँ पर अगर आप हाथ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई बड़ा बकेट लीजिए जिसमें आपका इजीली ये वाइपर चला जाए। और इसके अंदर जो हमने बॉटल लगाई है वो जो इसका एक्स्ट्रा वाटर जितना भी होगा वो बॉटल सारा उसके अंदर सोक कर लेगी, जितना भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगा जो बॉटल के अंदर चला जाएगा। देखिए, इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। तो अभी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है वाइप करने के लिए। तो अब आप इससे कहीं की भी वाइप कर सकते हैं, लाइक अपनी वॉल्स कॉर्नर कहीं की भी। तो चलिए फटाफट से हम अपने यहाँ पर ये वॉल को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर इस पर डस्ट वगैरह है तो आप मेक श्योर कि डस्ट जो है हल्की सी हो तो उसको आप पहले मतलब झाड़ू वगैरह से झाड़ दीजिए, उसके बाद आप इससे वाइप कीजिए और देखिए कितना अच्छे और इजी क्लीन हो रहा है। इससे प्रेशर भी ज़्यादा लगता है और बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती चली जाती है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, कितने अच्छे से हमारा जो वॉल पर वाइप होता चला जा रहा है। तो आप इस तरीके से अपने वॉल्स वगैरह की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। और आपको जितनी आपकी वॉल लंबी हो मतलब ऊंची हो हाइट में, तो आप उतना ही ऊंचा डंडा यूज़ कर सकते हैं या लकड़ी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और जो भी हमारे इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र डेकोरेटिव आइटम टंगे होते हैं आप उनको भी इससे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसको बार बार पानी में अच्छे से क्लीन करना है वरना इधर की डस्ट उधर लगती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कवर्ड्स वगैरह जो फर्नीचर मतलब वुड का बना हुआ होता है उसको भी आप इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप वुड वगैरह के लिए यूज़ करें तो आप जो भी क्लींजर वगैरह अपने घर के फर्नीचर या फर्श को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक लाइजोल वगैरह जो भी कुछ आप यूज़ करते हैं, उसको आप एक ढक्कन अपने पानी में ज़रूर डाल लीजिए, तो उससे और भी अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं तो नॉर्मल वाटर से ही कर रही हूँ क्लीनिंग क्योंकि मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। और इससे देखिए, ये वाली जो विंडो होती है जिनमें इस तरीके से होल्स, इनको हाथ से क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है और अच्छे से होती नहीं। इससे आप बस एक स्ट्रोक इस तरीके से करते जाइए, और जो जाली वाली विंडो वगैरह होती है इससे सब कुछ अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जाली पर मैंने बस एक ही स्ट्रोक लगाया और देखिए इसका कलर बिल्कुल
चेंज हो गया, ब्लू कलर था और ब्लू कलर हो गया। तो इस तरीके से आप फटाफट से अपने पूरे घर की सफाई एक ही वाइप से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ पेंटिंग्स वगैरह हम इस तरीके से हैंग करके रखते हैं तो काफ़ी ऊँची होती हैं तो हाथ नहीं पहुँचता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और आप इससे अपने फ्लोर वगैरह की भी क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इससे जो प्रेशर है वो काफ़ी तेज़ लगता है और आपका फ्लोर वगैरह है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो गाइस, आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू है, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। और ये देखिए यहाँ पर आप इससे कॉर्नर होता है जो स्केटिंग वगैरह हमारे रूम में बनी हुई होती है साइड से, आप वो भी इससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो आप इस तरीके से कोई भी मतलब बनाकर आप इससे फ़ैन की भी सफाई कर सकते हैं, लेकिन फ़ैन के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र और सोचा है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी कि आप फ़ैन की सफाई बिना स्टूल मेज़ के आप कैसे कर सकते हैं बिल्कुल ज़मीन पर खड़े होके। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप हाथ से इसको फ्लैट करके, और जो हमारे बेड के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है पोछा वगैरह, तो आप इससे ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप डालकर और अच्छे से अपने बेड के अंदर भी सफाई कर सकते हैं। जो भी ऐसी चीज़ होती है, बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ तक ये वाइपर अच्छे से क्लीनिंग करके आपकी आएगा। तो आप इस तरीके के नीचे जो पार्ट्स होते हैं उनकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक वीडियोस और यूज़फुल वीडियोस हमेशा अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।